मध्य प्रदेश के डिंडोरी के रहने वाली दुर्गाबाई व्योम के चार भाई बहन हैं और पिता चमरू सिंह की कमाई इतनी नहीं थी कि वो अपने बच्चों की ठीक से परवरिश कर सके। इस वजह से दुर्गा कभी स्कूल की दहलीज तक नहीं पहुंच पाई। दुर्गा को बचपन से ही चित्रकारी से खास लगाव था और सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्होंने अपनी दादी और माँ से दिगना कला सीखी, जिसमें शादियों और खेती से जुड़े त्योहारों में घर की दीवारों पर एक खास अंदाज में छवियां उकेरी जाती हैं। धीरे धीरे यही शैली उनकी पहचान बन गई। उनकी कलाओं में गौंड समुदाय से जुड़ी लोक कथाओं की झलक देखने को मिलती है। दुर्गाबाई भारत भवन से जुड़ी और 1997 में उनकी पेंटिंग पहली बार प्रदर्शित हुई। उन्होंने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे कई महानगरों के अलावा इंग्लैंड और यूएई जैसे देशों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आदिवासी कलाओं से लोगों को परिचित कराया है। उन्हें इस साल पद्मश्री मिलने से पहले रानी दुर्गावती राष्ट्रीय अवार्ड और विक्रम अवार्ड जैसे कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है।